हेलो दोस्तों, तो सैमसंग गलेक्सी A52 डिवाइस में एंड्रॉयड 13 की बात में एक सिक्योरिटी पेज अपडेट आया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटिंग में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं, तो इस अपडेट में जो है सिक्योरिटी और डिवाइस के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया गया है यहाँ पे, और कुछ बग्स होंगे उसको फिक्स किया गया है, और कुछ माइनर से एक दो न्यू फीचर होंगे तो उसे ऐड किया होगा, और रेगुलर चेकअप अपडेट है ये, तो इसे मैं लगा देता हूँ डाउनलोडिंग में, और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमें क्या चेंज मिला इस अपडेट में। तो यहाँ पे डाउनलोड तो मैंने यहाँ पे कर लिया है दोस्तों, तो इंस्टॉल कर देता हूँ डायरेक्टली मैं। तो अपडेट मैंने अपना मोबाइल कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड सेटिंग में जाके। तो सेटिंग में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में लास्ट अपडेट जो ये है, तो इस अपडेट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेगुलर चेकअप अपडेट है, सिक्योरिटी पेज जो यहाँ पे 1 दिसंबर का यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रॉब्लम हमें आ रही होगी तो वो फेस बग्स फिक्स किया उसको, और रेगुलर चेकअप अपडेट ही है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया होगा। क्या कि कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोगों को आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आई। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, और बाकी तो सारी चीज़ सब सेम है। तो सॉफ्टवेयर हैज़बिन, तो सिक्योरिटी पेज यहाँ पे आपको मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको एक सेकेंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 अक्टूबर का प्ले सिस्टम अपडेट यहाँ पे मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी पेज तो 1 दिसंबर को हमें देखने को मिल रहा है जो कि लेटेस्ट है। बाकी वन UI आपको पता ही है एंड्रॉयड 13 के साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, रेगुलर अपडेट है, और कुछ प्रॉब्लम से फिक्स किया होगा, ज़्यादा कुछ इस अपडेट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।